बात कर रहा हूँ, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में मैच है। इंडिया ऑलमोस्ट अपना सबसे बेस्ट गेम खेल रही है, सारे मैचेस जीती है 6 में से 6, और 99.99% चांस है कि वो क्वालिफाई कर जाएगी, फर्स्ट पोजीशन पे भी क्वालिफाई कर जाएगी, कोई डाउट नहीं है सेमीफाइनल के लिए। वही श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑलमोस्ट आउट हो चुकी है टीम, और जो टीम आउट हो चुकी है वो अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का गेम भी है क्रिकेट, हो सकता है वो कोई भी मैच हरा सकती है कभी भी किसी भी टीम को, और श्रीलंका उसमें बखूबी महारत हासिल कर रखी है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक आधा मैच अगर इंडिया हार भी जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं एज अ फैन चाहता हूं कि इंडिया एक आधा मैच प्लेऑफ्स में ही हार जाए, क्योंकि अगर ऐसे गेम में जाके जहां सेमीफाइनल और फाइनल में हारेगी, वो उनका अगर सबसे घटिया दिन हो गया, सबसे घटिया खेल गई इंडिया, तो फिर बहुत दुख होगा, क्योंकि वहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है वापस आने का, वो सीधा नॉकआउट स्टेज होगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर किसी दिन इंडिया का खराब दिन आने वाला है तो अभी ही आ जाए, मैं तो ये बोलूंगा। लेकिन एज अ फैन ये मैं कतई नहीं चाहूंगा, इंडिया एकदम ऐसा हो जाए कि लगातार में सारे मैच जीत जाए, ऐसा होता भी नहीं है वर्ल्ड कप में, एक आधा मैच हारना पड़ता है कोई भी टीम को। ठीक है, तो मैच तो होगा बहुत शानदार, वानखेड़े में मैच है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, बॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत मदद यहाँ पे है क्योंकि उनको बाउंस मिलेगा। ठीक है, तो फास्टर्स जो पेसर्स हैं अगर यहाँ पे डालेंगे बॉल कंधा पे तो जरूर विकेट मिलेगा, और इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल भी करते हैं उसमें काफी ज्यादा। ठीक है, अब सबसे पहले राठौर प्रिडिक्शन 07, इसको सर्च कर लीजिए, एज इट इज सर्च करिए स्मॉल में, बेटर ऑप्शन है बताऊं, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का है सेशन मैच, वहीं पे आता है, जाके फायदा उठाइए डेमो का। 7428525767 इकलौता व्हाट्सएप नंबर, इसी से हम लोग ऑपरेट करते हैं, कोई और हमारा नंबर नहीं है, कोई भी नंबर दिखे हमारा फोटो हमारा चैनल को के नाम से बचिएगा, सारे फ्रॉड है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम 2 बजे से मैच है, एक ही मैच है कल। देखिए वेदर कैसा है, तो वेदर काफी जबरदस्त है, मैच पूरा होगा, कोई भी यहाँ पे रेन वेन का चांस नहीं है, 47% का ह्यूमिडिटी है, ड्यू फैक्टर प्रिवेल करता है थोड़ा बहुत यहाँ पे, और सेकंड बैट एडवांटेज रहता है। बाकी सरफेस अगर बात करें तो काफी हाई स्कोरिंग वेन्यू है, 300 मस्ट रहेगा, 350 मस्ट रहेगा, मैं तो ये बोलूंगा अगर कोई भी टीम फर्स्ट बैट करती है, और उतना अगर इंडिया आ जाएगी फर्स्ट बैट पे तो आपको सेशंस खेलना थोड़ा आसान हो जाएगा, सेशंस में मैक्सिमम यस कर सकते हैं, 50 रन, 54 रन, 55 रन, 56 रन, ऐसे भी यस होते हुए देखने को मिलेगा, आपको बड़ा रन देख के नहीं नॉट कर देना है, क्योंकि बैट्समैन ही यहाँ पे डोमिनेट करेंगे, बॉलर्स कुछ है नहीं खास इनके पास जो विकेट निकाल के दे, प्लस यहाँ पे इंडियन बैट्समैन लगातार में तगड़े फॉर्म में है, और थोड़ा सा अभी जितने नीचे के कड़म के बैट्समैन हैं केएल राहुल जो स्लो खेल रहे हैं, वो चाहेंगे कि थोड़ा डोमिनेट करें, फास्ट खेलें, रन स्कोर बढ़ाएं, ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले आने वाले मैचेस के लिए। ठीक है, 25 मैच टोटल हुआ जिसमें से 14 बार फर्स्ट बैट, 11 बार सेकंड बैट, एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर तो लो दिखा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, 300 मस्ट होगा। ठीक है, इस वेन्यू पे 438 साउथ अफ्रीका इसी वेन्यू पे मारी, हाईएस्ट स्कोर है, और 115 लोएस्ट स्कोर है बांग्लादेश का। देखिए 200 से नीचे 6 बार तो लगा है, 200 से 249 4 बार लगा है, 250 से 290 11 बार लगा है, और अबव 300 सिर्फ 3 बार दिखा रहा है, लेकिन ये आंकड़ों पर नहीं जाना है, अभी जो सर्फेस है वो काफी अच्छा है बैटिंग के लिए। अब लास्ट 3 मैचेस का डिटेल में बात करते हैं, कैसा मैच घटा है यहाँ पे, तो लास्ट ही मैच देख लीजिए कितना हाई स्कोरिंग था, साउथ अफ्रीका 382 रन मारी, बांग्लादेश तो 233 रन ही मारी, ऑल आउट हो गई, 149 रन से साउथ अफ्रीका जीती, 3 विकेट पेसर्स को, 2 विकेट स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में भी 9 विकेट पेसर्स को, 1 विकेट स्पिनर्स को मिला। ठीक है, 399 अगेन साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड 170 ही मार पाई, 229 रन से साउथ अफ्रीका जीत गई, 5 विकेट फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को, 2 विकेट स्पिनर्स को, फिर 8 विकेट पेसर्स को, 1 विकेट स्पिनर्स को, ओवरऑल पेसर्स हमेशा विकेट ज्यादा, कोई भी मैं ऐसा वेन्यू नहीं देख रहा हूँ जहाँ पे पेसर्स से ज्यादा स्पिनर्स विकेट निकाल रहा है, चाहे कितना भी अच्छा स्पिनिंग ट्रैक क्यों ना हो, डोमिनेट करेगा स्पिनर, स्लो खेलवाएगा, लेकिन विकेट निकाल रहा है पेसर्स। 188 मार पाई ऑस्ट्रेलिया, इंडिया आराम से चेज कर गई, 5 विकेट से, 7 विकेट पेसर्स को, 3 विकेट स्पिनर्स को, 5 विकेट पेसर्स को, स्पिनर्स को 2 विकेट। खासकर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सेकेंड इनिंग में जहाँ पे ड्यू आ रहा है तो बॉल ग्रिप करने में डिफिकल्टी हो रही है, सिक्सेस भी ज्यादा लगेंगे, फोर्स भी ज्यादा लगेंगे, तो ये ध्यान रखना है, ये टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज यस कर सकते हैं, टोटल फोर्स ये भी यस करके चल सकते हैं, ड्यू फैक्टर है तो नंबर ऑफ वाइड्स नो एक्स्ट्रा यस कर सकते हैं, 13-14 भी ओवर जा सकता है। विकेट यहाँ पेसर्स को मिल रहा है, स्पिनर्स को तो मैंने देखा ही नहीं लास्ट 3 मैचों की सेकेंड इनिंग के उसमें विकेट मिला हो, 37 विकेट टोटल लास्ट 3 मैच में पेसर्स और 9 विकेट स्पिनर्स को मिला। ड्रीम इलेवन पॉइंट ऑफ व्यू से पेसर्स को ज्यादा पिक करिए तो बेटर ऑप्शन रहेगा। हेड टू हेड में बात कर लेते हैं, 167 श्रीलंका, 57 इंडिया, 98 नो रिजल्ट, 11 एक मैच टाई। इंडिया काफी डोमिनेटिंग है बोलने की जरूरत नहीं है, 27 मैच न्यूट्रल वेन्यू पर जीती है, और ये भी न्यूट्रल वेन्यू है श्रीलंका के लिए, यहाँ भी 17 जीती है श्रीलंका, मतलब न्यूट्रल वेन्यू पर काफी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, ऐसा नहीं है कि आउटडेट कर दी है पूरा अपने आप को। हेड टू हेड में लास्ट 6 में देखिए तो इंडिया 5 जीती है, श्रीलंका 1 जीती है, वर्ल्ड कप में 9 मैच हुआ है, 4 जीती, 4-4 मैच दोनों टीम जीती है, एक मैच नो रिजल्ट रहा है,
तो वर्ल्ड कप के आंकड़े तो काफी नेक टू नेक है मेरे भाई। आंकड़े में इंडिया 20 मैच खेली है, 11 ही जीती, 9 हारी है, 55% का विन परसेंट है, तो कुछ खास यहाँ पे है नहीं इंडिया का कि डोमिनेट कर रही है इस वेन्यू पे। आंकड़े में ये भी खेली है श्रीलंका, 5 मैच, 2 ही जीती है, 3 हारी है, 40% का, तो इनसे बेटर तो इंडिया का जरूर है विनिंग परसेंटेज। लास्ट 5 मैच में लगातार में जीत के आ रही है इंडिया, एक भी नहीं हारी है। वही यहाँ पे अगर बात करें श्रीलंका का, लॉस है, विन है, विन है, लॉस है, लॉस है, तो ये 2 मैच जीती है लास्ट 5 में से। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, प्लेइंग 11 का बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इंडिया की तरफ से यहाँ पे अभी तक हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है, सेमीफाइनल से जुड़ेंगे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, यही का सबका मांग था और यही टीम क्या जबरदस्त परफॉर्म कर रही है बॉलिंग से आपको दिख ही रहा है। श्रीलंका, पथुम निशंका, दिमुथ करुणारत्ने, कुशल मेंडिस, सदीरा समाणा, विक्रम चरित, सलंका, धनंजय डी सिल्वा, एंजेलो मैचिस, मथिसा, महेश तिक्षाना, कसून, रजिता, दुष्मंता चमीरा और दिलशान मधुशंका, तो ये प्लेइंग 11 हो सकता है श्रीलंकन टीम का। अब चलिए आगे चलते हैं प्लेयर बैटल में, देखते हैं किस प्लेयर का कैसा फॉर्म है, कैसा परफॉर्म कर सकता है हेड टू हेड और ग्रैंड लीग में, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। रोहित शर्मा 87, 46, 48, 86, 131, लास्ट 5 मैच में आप देखिए कोई भी मिस आउट परफॉर्मेंस नहीं है। कैप्टन के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस रहेगा इनका हेड टू हेड में, बना लीजिए, वेन्यू को बखूबी जानते हैं, कैप्टन भी मुंबई इंडियंस से बोलने की जरूरत नहीं है। 51 मैच भी खेला श्रीलंका के खिलाफ, 1860 रन, 264 हाईएस्ट भी इन्हीं का है, 46.50 का एवरेज है, 600, 3 मैच इस वेन्यू पे 46 रन, 20 हाईएस्ट, 15 का ही एवरेज, इस वेन्यू पे इनका अच्छा एवरेज नहीं है, चाहेंगे अच्छा करना, बिल्कुल चाहेंगे। लास्ट मैच 0-95, 103-16-55, 52 मैच, 2506 रन, 166 हाईएस्ट, 63 का ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवरेज है, 1000 है वर्सेस श्रीलंका, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। अगेन कैप्टन बना लीजिए, लास्ट मैच में मिस आउट किए हैं ग्रैंड लीग में, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं इस मैच में परफॉर्म कर सकते हैं। वेन्यू पे भी 6 मैच में 269 रन है, वह 121 हाईएस्ट है और 54 का एवरेज है 100 के साथ, तो नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बोलने की जरूरत भी नहीं। 9, 26, 53, 16, 104, जिस तरह का ये प्लेयर है फ्लैट डेक पे खेलने वाला, ये बखूबी यहाँ पे खेल सकता है। कैप्टन के लिए एक नंबर ऑप्शन रहेगा ग्रैंड लीग में, 2-3 टीम में इनको एक टीम में प्लेयर बना सकते हो। 5 मैच में 253 रन, 116 हाईएस्ट, 63 का एवरेज, 100, एक मैच में 20 रन है इस वेन्यू पे। श्रेयस अय्यर 4, 33, 19, 53, 25, 6 मैच 256 रन, 88 का हाईएस्ट, 42 का एवरेज, एक मैच खेला है इस वेन्यू पे और विकेट 4 रन ही मारे हैं, तो मैं बोलूंगा इनको ड्रॉप करके चलिए, थोड़ा फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और यहाँ पे काफी अच्छा शॉर्ट बॉल फेंक रहा है आजकल। लास्ट मैच में भी देखा काफी अटैक किया शॉर्ट बॉल से यहाँ पे श्रीलंकन प्लेयर, इन पे अटैक फिर से होगा और आज तक ये खेलना नहीं सीखे, काहे के लिए इन लोगों को उठा के ले आता है मुझे समझ में नहीं आता है। इतने बड़े स्टेज पे कोई प्लेयर आएगा और लगातार में आउट हो रहा है, लगातार में आउट हो रहा है शॉर्ट बॉल पे, मजाक बना रही है इंटरनेशनल टी प्लेयर टूर। 39, 27, 34, 19 डीएनबी, 10 मैच में 288 रन, 111 हाईएस्ट, 41 का एवरेज, 100, 2 मैच खेला इस वेन्यू पे, 122 टोटल रन है, 75 हाईएस्ट, 122 का एवरेज, ये भी एक अच्छे ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए, इनको भी पिक करके चलिए, हेड टू हेड में अच्छा प्लेयर है। 49, 2, 8, 72, 50, 4 मैच 128 रन, 53 हाईएस्ट, 42 का एवरेज है, मैच खेला है लेकिन बैटिंग नहीं आया था उस दिन। रविंद्र जडेजा 8, 39, लास्ट 3 मैच से उससे बाद बैटिंग नहीं आया, 1 विकेट, 0, 2, 2, 0, 30 मैच 348 रन, 60 का हाईएस्ट है, 38.66 का एवरेज, प्लस 27 विकेट इस वेन्यू पे, सॉरी हेड टू हेड में 3 मैच इस वेन्यू पे खेला, 70 रन है, 45 हाईएस्ट, 70 का एवरेज और 7 विकेट भी है, इनको पिक करके चल सकते हैं, टीम में रख सकते हैं। कुलदीप यादव 2-2-1-2-1, 11 मैच 18 विकेट, 3 मैच इस वेन्यू पे 2 विकेट, मस्ट पिक प्लेयर रहेगा बॉलिंग डिपार्टमेंट में, हर मैच में आप देख सकते हैं 2 विकेट मिनिमम इन्होंने निकाला है। शामी क्या लाजवाब इनका रिटर्न है, 4-5-1-5-2 विकेट का तो झरी लगा रखा है इन्होंने, 5 मैच 6 विकेट, 2 मैच इस वेन्यू पे 3 विकेट, फास्ट बॉलिंग में इनको पिक करना ही है, रिवर्स स्विंग, स्विंग हर चीज अवेलेबल है इनके पास। मोहम्मद सिराज 0-1-2-2-0, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर लग रहा है हेड टू हेड में, लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस है, याद होगा एशिया कप का फाइनल 5 मैच में 16 विकेट, 1 मैच इस वेन्यू पे और 3 विकेट इनका है। बुमराह 3-1-2-2-4, 12 मैच 25 विकेट, इस वेन्यू पे भी 2 मैच है, 1 ही विकेट है, मैं बोलूँगा एक बार शामी के साथ जा सकते हैं, इनके पास वो गति है, पेस है, प्लस स्विंग भी है और थोड़ा बहुत इनके पास जो है वो हिट द डेक बॉलर है, अच्छा बाउंस मिल सकता है। बुमरा बेटर ऑप्शन हो सकते हैं मुझे लग रहा है इस पे पिच पे। पथुम निशंका का बात करें तो बहुत अच्छे टच में है ये अभी, 46, 77, 54, 61, 51, लास्ट मैच में सिर्फ 50 चुका है, हर मैच में मारा है, तो इनको तो पिक करना ही है, वाइस कैप्टन कैप्टन बना सकते हो इनको भी,
हेड टू हेड में 3 मैच में 80 रन है, 72 हाईएस्ट है, 27 का एवरेज है। कुशल मेंडिस 39, 11, 9, 122, 11 में 219 रन, 89 का हाईएस्ट, 19 का एवरेज। इंडिया के खिलाफ ये नहीं चल पाता है प्लेयर, तो ड्रॉप करके चल सकते हो। दिमुत करुणा रत्न 15-2, 18-32-1, 2 मैच में 12 रन है, 10 हाईएस्ट, 6 का एवरेज। सदीरा समाणा विक्रम 36-65-91-8-108, 3 मैच 59 रन, 42 हाईएस्ट, 20 का एवरेज। इनको ले सकते हो, मुझे लग रहा है कुशल मेंडिस से ज़्यादा बेटर प्लेयर है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेल सकता है। चढ़ी दसलंका बैटिंग से एकदम आउट ऑफ फॉर्म में, 22 DNB 44-25-1, लास्ट 5 मैच में 1 मैच में बॉलिंग कराया, विकेटलेस रह गया, उससे पहले बॉलिंग नहीं मिला है। 8 मैच 128 रन, 65 हाईएस्ट, 23.5 का एवरेज, 4 विकेट। एंजिलो मैथ्यूज 23 DNB 12-0-18, इनको फिनिशिंग रोल दिया गया। जो भी है ये अगर थोड़ा नीचे आएंगे और विकेट निकालेंगे तो ही पॉइंट दे पाएंगे आपको। 0-2 उससे पहले बॉलिंग नहीं कराया, 4 मैच ऑलमोस्ट 1400 रन है, 139 हाईएस्ट है, 54 का एवरेज है, 31 विकेट है और 300। इंडिया के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन ऊपर इनको खेलना पड़ेगा। अब इस वेन्यू पे भी खेला, 41 रन है इनका। धनंजय डी सिल्वा आउट ऑफ फॉर्म है बैट से, 29-34-5-43-17, उतना ही आउट ऑफ फॉर्म बॉलिंग डिपार्टमेंट भी है इनका, एक भी विकेट नहीं है। 8 मैच 169 रन, 47 का हाईएस्ट, 24.5 का एवरेज और 4 विकेट है इनका। अब तिक्षाना का बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो लास्ट मैच विकेटलेस 1-1-0-1, 1 मैच में 1 विकेट है इस वेन्यू पे, तो उतना अच्छा इनका अभी परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रहा जितना अच्छा ये बॉलिंग कर रहे हैं। अब कसुन रजीता का बात कर लेते हैं, तो बॉलिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, 1 विकेट लास्ट मैच में, 2-4-1-0, 6 मैच में 8 विकेट है इनका इंडिया के खिलाफ। निशान मधुसूदन का 2-0-3-2-2, मिनिमम 2 विकेट इन्होंने हर मैच में निकाला है, इनको पिक करिए, अच्छे रिदम में लग रहे हैं। 1 मैच में 1 विकेट है हेड टू हेड में। दुष्मंता चमीरा 0-4-2-1-2, 5 मैच में 2 ही विकेट है, तो इनसे बेटर ऑप्शन यहाँ पे मैं बोलूंगा दिलशान मधुशंकर रहेंगे फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में। अब चलिए जो ड्रीम इलेवन टीम मैंने आपके लिए बनाया आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो केएल राहुल, कुशल मेंडिस, समाणा विक्रमा विकेट कीपर ऑप्शन में है। बैटिंग में यहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, प्रथम निशंका। बॉलिंग डिपार्टमेंट में खास करके ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा, एंजेलो मैथ्यूज, और बॉलर्स में यहाँ पे शामी और बुमराह। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बात करें हेड टू हेड में, तो मैंने कैप्टन रोहित शर्मा को बनाया है और वाइस कैप्टन समाणा विक्रमा को बनाया, जो कि दोनों ही इन फॉर्म प्लेयर हैं। अदर ऑप्शंस में यहाँ पे विराट कोहली कैप्टन एक नंबर ऑप्शन रहेंगे आपके लिए हेड टू हेड में। वाइस कैप्टन आप यहाँ पे कुशल मेंडिस, उससे बेटर ऑप्शन मैं बोलूंगा यहाँ प्रथम निशंका के साथ जा सकते हो। यहाँ पे अगर ग्रैंड लीग के लिए खेलना है तो कैप्टन आप बना लीजिए शुभमन गिल, जिस तरह के प्लेयर है, जिस तरह का पिच है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और वाइस कैप्टन आप बना लीजिए यहाँ पे कुशल मेंडिस को, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, फॉर्म में भी है, बहुत दिन से परफॉर्म नहीं किया, हो सकता है दोनों का ही इस मैच में बड़ा आ जाए। तो अब कोई भी डाउट हो 7-4-2-8-5-2-5-7-6-7 पे कांटेक्ट करना है, मैच खेलना है, सेशंस खेलना है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, सेशंस और डेमो वहीं पे आता है। बाकी कोई भी डाउट हो तो कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।